इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है मध्य प्रदेश राज्य मंत्री श्री राम खिलावन पटेल के क्षेत्र अमरपाटन से, जहां बरसते पानी के बीच सड़क पर लगाया जा रहा पेच ठंडा मटेरियल डालकर हो रहा घटिया सड़क निर्माण। राज्य मंत्री श्री राम खिलावन पटेल के क्षेत्र अमरपाटन में ठेकेदार की मनमानी दे सकती है दुर्घटना को निमंत्रण। लोक निर्माण विभाग द्वारा समय समय पर सड़कों की मरम्मत का कार्य कराया जाता है। इसी बीच अमरपाटन से रामनगर रोड में बने गड्ढों को भरने का कार्य रीवा के ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें उपयोग होने वाला मटेरियल पूरी तरह से ठंडा होने के कारण सड़क पर चिपक नहीं रहा। इसका मुख्य कारण बरसते पानी में कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह से घटिया सामग्री से भरी बरसात में बन रही सड़क मात्र एक छलावा है, या फिर शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, शासकीय रुपयों का दुरुपयोग किया जा रहा है। नादन टोला से इटमा कोठार तक धूल भरी मिट्टी के ऊपर डामरीकरण कर दिया गया, जिसका उदाहरण तस्वीरों में साफ दिख रहा है। टीचर से सनी रोड में आखिर किस तरह से यह डामर मिक्स गिट्टी चिपक पाएगी, देखना होगा कि जिले के आला अधिकारी ठेकेदार पर कार्रवाई करते हैं या फिर यूं ही मेहरबान रहते हैं। उद्घोषणा से बिपिन सोनी की खास रिपोर्ट। गड्ढा है और पानी बरस रहा है, इसके ऊपर से ऑयल डाल कर और इसके ऊपर डामरीकरण किया जा रहा है। ये बताइए कब तक रोड चलेगी? ये पूरी लापरवाही ठेकेदार की है। ये देख लीजिए ना, पूरा मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर डामरीकरण किया जा रहा है। ये रोड मुश्किल से 5 दिन ना चलेगी और पानी बरस रहा है, पानी के ऊपर से ही ऑयल डाला जा रहा है। ऑयल के ऊपर से डामरीकरण कर देंगे बस और अपना काम निकाल के चले जाएंगे। हाँ, यहाँ गिरते हैं। आपका नाम क्या है? सतेंद्र सिंह। कौन सा गांव है? गांव का इटमा पठार। यहाँ पे बहुत गड्ढा था, इसीलिए हम मिट्टी डलवाए थे। गाड़ी झकाक से गिर रही थी। यहाँ रोड वोड सब ऐसे रहती है खत्म, और ठेकेदार तो निकल लिए, लेके कई बार यहाँ आदमी गिरे। हम लोग आए इसीलिए इसमें मिट्टी डाले। ये देख लीजिए गड्ढा खुदवा के समय अपने से डलवा, पानी गिर रहा है, ऊपर से ऑयल डाल रहे हैं।